पूरी तैयारी हो रही है इस साल, अच्छी तैयारी है। इस साल पिछले साल से एक लाख टूलिप ज़्यादा है, 50 वैरायटी से। लोगों को रिक्वेस्ट कर से बाहर या कश्मीर के लोगों को कि आप टूरिस्ट टूलिप गार्डन पे आए, एंजॉय करें। ट्यूलिप गार्डन जो है, अब कश्मीर के जो हमारे गार्डन से, इनमें एक ख़ास चीज़ उभर कर आए हैं और ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट सीज़न को ये प्रिपोन करते हैं। तो इसकी तैयारी तो वैसे साल भर चलती रहती है, ये कन्फ्यूजन होते हैं लोगों में कि शायद ये बस एक महीने तैयारी होती है, बस उसके उतना ही होता है, ऐसा नहीं है। तो साल भर यहाँ मेहनत करते हैं हमारे मुलाजिम, हमारे गार्डनर्स, और माशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल से इस साइड जो इस साल जो स्प्राउट हुआ बड़ा अच्छा हुआ है, एंड कोई 13 लाख के करीब फूल जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले पर होंगे। और ट्यूलिप के अलावा बाकी भी और यहाँ पर फूल जो हैं वो लगाए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि दिस टाइम इट वुड बी अ वेरी फैंटास्टिक ट्यूलिप शो। हम तमाम लोगों को, तमाम विजिटर्स को इनवाइट करते हैं कि वो ज़रूर आए और अल्लाह ताला की इस ख़ास चीज़ को, इस ख़ास नज़ाकत को देखकर खुश हो जाए। बिल्कुल सही है, अभी टूरिस्ट इन्फ्लो जो है वो उतना पिकअप नहीं हुआ है, लेकिन इस ज़मन में जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो कॉन्स्टेंटली इट्स मेकिंग एफर्ट्स, एंड इंशाल्लाह होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आएंगे। ट्यूलिप गार्डन जो है बेसिकली ये क्लाइमेट रिलेटेड एक गार्डन है, तो अगर टेम्परेचर ऐसा ही रहा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ ये गार्डन जो वो खोल दिया जाएगा। अलबत्त जो ट्यूलिप फेस्टिवल है, जिसका टेक्निकल मतलब ये होता है कि 75% से ज़्यादा फ्लावर्स जो है वो ब्लूम हो जाते हैं, उस वक्त वो खिल जाते हैं, तो वो हम 4-5 अप्रैल के आसपास जो है वो मनाकत कर रहे हैं। आइडियली वी वुड लव कि ये इसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ट्यूलिप की जो लाइफ है वो बहुत लिमिटेड होती है, एट द मोस्ट 15 डेज। अब हम इसको एक्सटेंड कैसे करते हैं वो एक क्वेश्चन है। हमने मुख्तलिफ वराइटीज़ यहाँ लगाई हुई होती हैं, उनको थोड़ा आगे पीछे कर कम से कम एक महीने तो ये चलता ही है। वन ये कि वो ज़रूर आए, जब भी जो भी यहाँ कश्मीर आए ट्यूलिप गार्डन को ज़रूर देखने आए। नंबर दो ये कि इन गार्डन्स को मेनटेन करने में हमें लोगों का, हमें टूरिस्ट का भी कोऑपरेशन चाहिए। वो काइंडली इन गार्डन्स में वो खाने पीने की चीज़ें साथ लेकर ना।